अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद डीडी सिस्टर। तो आज मैं लाई हूँ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है मिष्टी डोई। मिष्टी डोई को मीठी दही भी बोलते हैं। ये बंगाली डिश है, बंगाली स्वीट डिश है। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मिष्टी डोई बनाने के लिए हमें चाहिए दही 1 कप, कंडेंस मिल्क 1 कप, दूध 1/4 कप लिया है, इलायची पाउडर और पिस्ते बादाम लिए मैंने अच्छे से काट लिए बारीक, और यहाँ पे मैंने लिया है वनीला एसेंस। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने कपड़ा लिया है, आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। तो और इसके नीचे मैंने रखी है छन्नी, छन्नी के नीचे मैंने रखा है एक बाउल, तो ये मैंने रख दिया है। अब इसके अंदर जो है ना, मैं 1 कप दही डाल दूँगी इस तरह से। जैसे हम पनीर बनाते हैं ना, उसको छानना होता है, इसी तरह से मुझे दही को करना है। ये दही को मैं इस तरह से इस कपड़े को पकड़ के अच्छी तरह से इसका पानी सारा निकल जाए और ये दही जम जाए, जैसे कि पनीर होता है। इसको मैं गिठा लगा दूंगी इस तरह से। इसे लटका भी सकते हैं, अगर आप लटकाना चाहें तो आप लटका भी सकते हैं, मगर मैं इसको इस तरह से करूंगी, मुझे ऐसा ही लगता है। ये कर दिया है मैंने, और अब मैं इसके ऊपर कोई भी आप इस पर भारी चीज़ रख दें, वज़न रख दें, ताकि जो पानी है इसका, ये देखें किस तरह से निकल रहा है, ये पानी निकल जाए। इसे 1 घंटे के लिए मैं इस तरह से रख दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। ये देखिए, इसे मैंने रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये मैं हटा दूँगी इसके ऊपर से, और इसे भी मैं साइड में रख दूँगी। अब ये मैंने निकाल लिया है, अब इसे मैं खोल दूँगी इस तरह से। लल्ला, ये खुल गया है। ये देखें, दही इस तरह से हो गई है। मैं इसे सबको निकाल लूँगी इसके अंदर, इसका सारा पानी निकल चुका है। ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, ये सब मैंने निकाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी। ये अच्छे से बीट हो चुका है, ये देखें, ये अच्छे से बीट हो गया। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूँगी 1 कप, ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप दूध। हाफ टी स्पून मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। 2 ड्रॉप मैं इसमें वनीला एसेंस के डालूंगी, इससे खुशबू थोड़ी सी अच्छी आएगी। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैंने प्याला लिया है स्टील का, इसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया है। अब बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरह से। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए मैंने दोनों, इस तरह से डाल दूंगी। अब इसके अंदर जो है, मैं ये जो मैंने बैटर तैयार किया है, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैं डाल दूंगी सब इस तरह से। ये सारा आ गया है इसके अंदर, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा टैप टैप करूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, जो बबल्स वगैरह बन रहे हैं वो इसमें से सेट हो जाए, बबल्स ना बने इसके। ये देखें, बबल बन के फूट रहे हैं, ये हो गया है। अब इसके ऊपर मैं पिस्ते बादाम डालूंगी थोड़े से इस तरह से, पूरे पे डाल दूंगी। ये भी तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिए हैं पिस्ते बादाम, मैंने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं फॉइल पेपर लगाऊंगी इस तरह से, इसको कवर अप कर दूंगी मैं। अब इस फॉइल पेपर को मैं काट लूंगी, मुझे जितना चाहिए उतना लूंगी, ये इतना मैं इसे काट दूंगी। ये मैंने कट कर दिया, अब इसे मैं इस तरह से कवर कर दूंगी, पूरे पे फॉइल पेपर चढ़ा दूंगी। ये देखिए, इस तरह से इसको बिल्कुल पैक कर दूंगी मैं।
ये हो गया। तो चलिए आगे मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने पतीली ली और इसके अंदर पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह खोल चुका है। मैंने अपनी आँच थोड़ी स्लो कर दी है और मैंने इसके ऊपर स्टैंड रखा है। अब ये जो मैंने रेडी किया है मिष्टी डोई, ये मैं इसके अंदर रख दूँगी इस तरह से। तो मैंने रख दिए, ये मैंने रख दिया। अब इसे मैं ढक दूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे स्टीम दूँगी दरमियानी आँच पे। इसे 20 से 25 मिनट 25 मिनट हो चुके हैं तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे निकाल लूँगी। अब ये देखिए अच्छी तरह से हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, ये अभी गर्म हो रहा है। अब मैं इसको निकाल दूँगी, इसको फॉइल पेपर को खोल दूँगी यहाँ से। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। अब इसे जो है ना मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए 3 घंटे के लिए, कम से कम 3 घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी फ्रिज के अंदर। इसको फ्रिज में इसलिए रखूँगी ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। चिल होने के बाद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है ये। तो चलिए मैं रख देती हूँ इसको। ये देखें 3 घंटे हो चुके हैं, ये मिष्टी डोई सेट हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये मैंने प्लेट ली है और ये मतलब प्लेट को मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से और इसे यूँ पलट दूँगी और इसे इस तरह से टैप करेंगे, थोड़ी आवाज़ भी निकलेगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है ये। टाणा मज़ेदार सी मिष्टी डोई तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप इसको ईद पे भी बना सकते हैं, कोई मेहमान आया तो आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।